अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर विलर्स, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद और वेलकम बैक टू अनदर बस वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ सुजुकी स्विफ्ट। इसके बेस वेरिएंट का आपके लिए रिव्यू लेके आए थे जिसकी प्राइस 25 लाख है यानी 24,99,000 रुपये। आज हम इसके टॉप वेरिएंट का आपके लिए वॉक अराउंड लेके आए हैं जिसकी प्राइस 28,99,000 रुपये यानी कि 29 लाख रुपये। और इस वेरिएंट में कुछ फीचर्स एडिशन हैं और कंपेटिटर से गाड़ी फीचर्स वाइज बिल्कुल कम्पीट करती है। और इसके बुकिंग और बाइंग प्रोसीजर के मुताबिक थोड़ा सा लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट रिव्यू के बाद, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी। उसके लिए आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जो जिनके पास पहले से सुजुकी की कोई भी गाड़ी है वही फिल वक्त इस गाड़ी को ले सकते हैं। यानी कि आपके पास सुजुकी की कोई भी गाड़ी है, एक्सचेंज ऑफर के थ्रू आप उस पर एक्स्ट्रा वैल्यू पे करके ये गाड़ी खरीद सकते हैं। और जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं जिनके पास सुजुकी की गाड़ी नहीं है, वो ये गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए बुकिंग अभी ओपन नहीं है। तकरीबन एक्सपेक्टेड ये है कि अप्रैल में जाके उनके लिए बुकिंग ओपन होगी और एक्सचेंज ऑफर वाले कस्टमर्स को 15 से 20 दिन में ये गाड़ी डिलीवर कर देंगे। सबसे पहले हम गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं, तो एक्सटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो आपको बताता हूँ। सब इसके अंदर LED हेडलैम्प्स हैं, LED इंटीग्रेटेड DRLs, और नीचे इसके अंदर फॉग लैम्प्स हैं। और जो बेस वेरियंट है उसके अंदर फॉग लैम्प्स मिसिंग थे। और इसके अलावा फ्रंट से ये गाड़ी बिल्कुल सेम है। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, गाड़ी के साइड पर एक चीज़ जो चेंज है वो इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन है। अलॉयज़ का साइज़ सेम है, तीनों वेरिएंट्स के अंदर 16 इंच का अलॉय व्हील्स आता है, लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर अलॉय का डिज़ाइन चेंज है और ये बड़ा खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन है। और साइड प्रोफाइल पे अगर हम साइड मिरर्स की बात करें तो इसके साइड मिरर्स के अंदर इंडिकेटर्स हैं जो कि बेस वेरिएंट्स के अंदर नहीं थे। और इसके अलावा इसके अंदर कीलेस एंट्री का फीचर मौजूद है जो कि इसके बेस वेरिएंट्स के अंदर नहीं था। पॉकेट में आपकी की हो और आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। टू द बैक प्रोफाइल ऑफ द कार, गाड़ी के बैक पे अगर हम बात करें ना, तो इसके जो टॉप वेरिएंट है इसके अंदर एक तो रिवर्स कैमरे का एडिशन है और यहाँ पे इनके रिवर्स रियर बम्पर में हमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा फीचर है। और इसके कंपेटिटर्स में अगर हम बात करें तो चंगान एल्समिन के अंदर आता है और यहाँ पे हमें स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है। GLX CVT इसका टॉप वेरिएंट है। और बैक पे अगर हम बैक लाइट्स की बात करें तो इसकी बैक लाइट्स बेस वेरिएंट से खूबसूरत हैं क्योंकि इसके अंदर LED बैक लाइट्स आती हैं और इनका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और LED होने की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर सिंपल बैक लाइट्स आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम रेयर कमिंग टू द बैक प्रोफाइल ऑफ द कार, ये जो इसका टॉप वेरिएंट है इसकी बैक लाइट्स थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर LED बैक लाइट्स आती हैं जबकि इनके जो बेस वेरिएंट्स हैं उनके अंदर सिंपल बैक लाइट्स आती हैं। और इसके अलावा बाकी एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है। और इसके टॉप वेरिएंट में एक चीज़ का इजाफा ये है कि इसके अंदर पार्किंग रेयर पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं और रिवर्स कैमरा मौजूद है। कमिंग टू द बैक प्रोफाइल ऑफ द कार, गाड़ी के बैक पे अगर हम बात करें ना, तो इसके जो टॉप वेरिएंट है इसके अंदर एक तो रिवर्स कैमरे का एडिशन है और यहाँ पे इनके रिवर्स रेयर बम्पर में हमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा फीचर है। और इसके कंपेटिटर्स में अगर हम बात करें तो चंगान एल्समिन के अंदर आता है और यहाँ पे हमें स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है। GLX CVT इसका टॉप वेरिएंट है। और बैक लाइट्स की अगर हम बात करें ना, तो स्पेसिफिकली इसकी बैक लाइट्स ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनकी बेसिक वजह यह है कि इनकी बैक लाइट्स LED हैं जबकि इनके जो बेस वेरियंट्स हैं उनके अंदर सिंपल LED सिंपल बैक लाइट्स आती हैं। और बैक पे अगर हम बैक लाइट्स की बात करें तो इसकी बैक लाइट्स बेस वेरिएंट से खूबसूरत हैं क्योंकि इसके अंदर LED बैक लाइट्स आती हैं और इनका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और LED होने की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर सिंपल बैक लाइट्स आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमें रिवर्स रेयर वाइपर मिल जाता है। और व्यूअर्स, इसकी जो बूट स्पेस है वो एम्पल बूट स्पेस है एक हैचबैक के लिहाज से, लेकिन इसके अंदर स्पेयर व्हील मौजूद नहीं है और पंक्चर रिपेयर किट है जो कि आल्टो में भी पहले से आ रही है और काफ़ी वो यूज़फुल चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर स्पेयर व्हील मौजूद नहीं है। कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द कार, गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें ना, तो इंटीरियर गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस सेगमेंट की गाड़ी के लिहाज से इंटीरियर का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसके डैशबोर्ड को ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, इसको थोड़ा सा स्क्वीज या इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखा गया जिसकी वजह से फ्रंट पैसेंजर के लिए लेगरूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। और इसके अलावा इसके इंटीरियर डुअल टोन है, सिल्वर और ब्लैक का कम्बिनेशन यूज़ किया गया। और इसके AC वेंट्स की बात करें तो सेंट्रल ये सर्कुलर शेप में है और इनका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब हम इस गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं। स्टेयरिंग व्हील फुली इक्विप्ड है इस सेगमेंट कंपेटिटर्स के लिहाज से। और सनी गाड़ी में पहले इस तरह के फीचर्स नहीं आते थे, लेकिन जिस तरह कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन के साथ चलने के लिए इन गाड़ियों को इन कंपनीज को भी एक्स्ट्रा फीचर देने पड़ते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं। फुली इक्विप्ड स्टेयरिंग व्हील है
और इसके टॉप वेरिएंट के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, जो कि इसके कंपेटिटर्स में अगर हम बात करें तो होंडा सिटी के टॉप वेरिएंट जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, और चंगान एल्सिन के टॉप वेरिएंट ल्यूमर वेरिएंट में आता है जिसकी प्राइस तकरीबन इसके बराबर है, इससे 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे हमें इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे नीचे इसके कॉल पिक एंड ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इसके स्टेयरिंग व्हील में एक सिल्वर की स्ट्रिप या क्रोम स्ट्रिप यूज़ की गई है, जो इसके टॉप वेरियंट्स के अंदर नहीं है। और इसके अंदर एक स्पोर्टी सा टच दिया गया है, एक एज सा दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ रही है। और इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी है, जबकि जो बेस वेरिएंट्स हैं उनके अंदर मैनुअल एसी है। और इसके अंदर जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके अंदर 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। और इसके अंदर एक चीज़ का एडिशन ये है कि इसके अंदर रिवर्स कैमरा भी है। और इसके अलावा कुछ एडिशन फीचर्स की बात कर लेते हैं, ये टॉप वेरियंट के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, जो कि बेस वेरियंट्स के अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर, इसके अंदर पुश स्टार्ट का फीचर आता है, पुश स्टार्ट के थ्रू गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और कीलेस एंट्री का फीचर मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें पार्किंग सेंसर्स की भी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि रेयर पार्किंग सेंसर्स इसके टॉप वेरिएंट के अंदर ही मौजूद हैं। और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर मौजूद है, जो इसके अलावा इसके कंपेटिटर एल्समिन और सिटी और यारिस वगैरह में मौजूद है। गाड़ी के रेयर में एक चीज़ का एडिशन ये है कि इसके अंदर एक स्पॉयलर, बैक स्पॉयलर दिया गया, जो बेस वेरियंट्स के अंदर नहीं है। और ये बैक स्पॉयलर गाड़ी की स्पोर्टी लुक में काफ़ी इजाफा कर रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर इसके अलावा एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि इसके अंदर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स नहीं है, एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, और रिट्रैक्टेबल हो जाता तो काफ़ी अच्छा था। और इसके अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन मौजूद है, 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ट्रिप्टोनिक इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। और इसके अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक है। और इसका जो टॉप वेरियंट है उसके अंदर फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आर्मरेस्ट भी मिल गया, जो कि बेस वेरियंट के अंदर आर्मरेस्ट नहीं था। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी एक सॉफ्ट टच के साथ बहुत अच्छा आर्मरेस्ट दिया गया। और इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो सेम उसी तरह, लेकिन इसके अंदर MID है, और MID थोड़ी सी चेंज मुझे लग रही है इसके बेस वेरिएंट से। और इसके अलावा इसके अंदर डुअल कप होल्डर्स हैं सेंटर में मौजूद, और 120 वाट का एक चार्जिंग सॉकेट मौजूद है। और इसके अलावा इसके टॉप वेरिएंट के अंदर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 4 स्पीकर्स आते हैं। और इसके अलावा इसके डोर्स की बात करें तो इनके अंदर 2 बोतल होल्डर्स मौजूद हैं, और हल्की मुल्की स्पेस मौजूद है। कमिंग टू द रेयर प्रोफाइल ऑफ द कार, गाड़ी का रेयर बेस वेरिएंट्स के तरह बिल्कुल सेम है, और सिर्फ आर्मरेस्ट का इसके अंदर एडिशन, और आर्मरेस्ट थोड़ा सा मुझे पीछे लगा, थोड़ा सा आगे हो जाता तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और इसके अंदर 2 अडल्ट्स लॉन्गर जर्नी के लिए कम्फर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, 3 अडल्ट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल हम्प है वो बहुत बड़ा है। और टॉप वेरियंट के अंदर इसमें आर्मरेस्ट का भी एडिशन कर दिया, आर्मरेस्ट थोड़ा सा पीछे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकन्विंस हो सकती है। और इसके अलावा इसकी जो सीट्स हैं उनके अंदर एक कर्व्ड सा डिज़ाइन मौजूद है, और थोड़ी सी कर्व्ड है इसकी सीट्स, जिसकी वजह से लेगरूम में इजाफा हो रहा है। और अगली सीट फुल पीछे है, और मेरे हिसाब से एम्पल स्पेस मौजूद है। अगर कोई 6 फुट का बंदा होगा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है, और हेडरूम भी इज़ क्वाइट सफिशेंट, नॉट एम्पल। और इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, इसके जो 5 हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं। और इसके अलावा इसके सीट्स की कुशनिंग मुझे अच्छी लगी है, और यहाँ पे हमें एक सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है पिछली सीट्स के लिए। और पिछली सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो बड़ी सॉफ्ट सी सीट्स हैं, और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, पहली स्विफ्ट से बेहतर है। गाड़ी के बेस वेरिएंट का जो रिव्यू था उसमें मैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, इस पिछली स्विफ्ट से लोगों को उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से शिकायत थी कि उसकी फ्यूल एवरेज नहीं अच्छी, लेकिन इस स्विफ्ट के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर सुजुकी का के सीरीज़ का इंजन यूज़ किया गया, और के सीरीज़ का इंजन फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि सुजुकी आल्टो और कल्टस में यूज़ हो रहा है। और आप लोग जानते हैं आल्टो और कल्टस की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर है, और माई पर्सनल एक्सपीरियंस के सीरीज इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है नॉर्मल इंजन से। और उसमें बेसिकली ये होता है उसका कंप्रेशन चैम्बर छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है। और इसके अंदर सुजुकी का वाटर कूल्ड EGR सिस्टम भी यूज़ किया गया, जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में सारे फैक्टर्स मिलके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस गाड़ी से आपको किसी स्विफ्ट की तरह फ्यूल एफिशिएंसी की कोई शिकायत नहीं होने वाली। सो व्यूअर्स, ये था आज का फर्स्ट वॉक अराउंड इसके GLX वेरिएंट का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।